सो राइट, आजकल क्या हो गया, जो चेक से पेमेंट हो गई है वो कॉमन हो गई है. ओके, कुछ लोग इसको शौक समझते हैं तो कुछ लोगों की ये मजबूरी हो जाती है, उनको चेक से पेमेंट लेनी पड़ती है. ओके, लेकिन इन्हीं शौक और मजबूरी के चक्कर में कभी कभी क्या होता है, जो चेक है वो बाउंस हो जाता है. ओके, बाउंस इन द सेंस कैंसिल हो जाता है. लोग अपनी पेमेंट लेने के लिए बैंक में जाते हैं चेक लगाने के लिए, और वहाँ से उन्हें कैंसिल का रिसिप्ट मिल जाती है कि आपका चेक है जो बाउंस हो गया है. ओके, ना उनको पैसे मिलते हैं ना उनको कुछ मिलता है. तो इन सिचुएशंस में आपको क्या करना चाहिए, लेट्स स्टार्ट इट. Up and just felt right. Phone blown like a tailpipe. Today's schedule airtight. It turned a short day into a long night. See you soon if you got the heart. Meet you outside when you. So alright, तो इन conditions को deal करने के लिए हमारे पास क्या होता है? हमारे पास एक provision होता है negotiable instrument act का. Okay? इसमें क्या होता है? Check, bills of exchange और promissory note. इनमें क्या होता है? अगर ये चीजें bounce हो जाती हैं या फिर dishonor हो जाती हैं, तो ये act इनसे deal करता है. Section 138 में. Okay? तो हम यहाँ बात कर रहे हैं check की. तो चेक की क्या होता है, चेक में क्या होता है, चेक की ना एक वैलिडिटी होती है. पहले क्या होता था, एक 6 महीने की वैलिडिटी होती थी, लेकिन अब क्या हो गया, अब 3 महीने की इसकी वैलिडिटी कर दी गई है. सरल शब्दों में कहें तो अगर कोई आपको चेक मिला है तो आप उसको 3 महीने के अंदर कभी भी लगा सकते हो. ओके, पहले क्या था, 6 महीने, अब हो गया 3 महीने. 3 महीने के अंदर आप उसको कभी भी लगा सकते हो. ओके, ये तो हो गई कुछ जनरल बातें. लेकिन अगर आपको क्या करना चाहिए, अगर आपका चेक बाउंस हो जाए, ओके, आपका जो चेक है वो कैंसिल हो जाए, तो क्या करना चाहिए. स्टेप नंबर फर्स्ट, आपको सिंपल सा इन्फॉर्म करना है किसको, जिसने आपको चेक दिया है. फिर वो कोई पर्सन भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, एसोसिएशन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. ओके, सिंपल सा इन्फॉर्म करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वो मिस्टेक से चेक बाउंस हो जाता है. जैसे कि अनमैचिंग साइन है जो वो मिल नहीं रहे हैं. ओके, वैसे तो इसके काफ़ी सारे ग्राउंड्स हैं चेक बाउंस क्यों होता है. इनसफिशियंट फंड, अगर किसी के अकाउंट में पैसा ही नहीं है और वो चेक इशू कर दे तो वो बाउंस हो जाता है. ओके, तो आपको सिंपल सा इन्फॉर्म करना है. इन्फॉर्म करोगे या तो वो आपकी पेमेंट दे देगा या फिर आपको इग्नोर करेगा वो. ओके, अगर वो इग्नोर करता है फिर क्या करना है, आपको विदिन 3 डेज में एक लीगल नोटिस बनवाना है. ओके, लीगल नोटिस आप एक एडवोकेट की हेल्प से बनवा सकते हो सिंपली. कोई भी आपके पास कोई नियरर एडवोकेट हो अड़ोस पड़ोस में, तो उससे आप एक लीगल नोटिस जारी करवा सकते हो. ओके, फिर क्या करना है, वो आप उसको नोटिस भेजोगे या तो उसका जवाब आ जाएगा या फिर वो आपके पेमेंट कर देगा या फिर नहीं करेगा. पेमेंट कर देता है तो ठीक है, अगर वो नहीं करता है तो आपको एक सिंपल सा केस फाइल करना है कोर्ट में. ओके, 138 के तहत जैसे ही आप केस फाइल करोगे, कोर्ट उसको समन भेजेगा, उसको बुलाएगा अपनी बात रखने के लिए. वो अपनी बात रखेगा या तो वो आपकी पेमेंट कर देगा कोर्ट के डर से. अगर वो नहीं करता है तो उसको कोर्ट फाइन कर सकता है. फाइन कितना हो सकता है, उसको दुगना, जितना भी आपका अमाउंट था चेक में उसका दुगना उसको फाइन हो सकता है. या तो फाइन होगा या फिर उसको 2 साल की सजा होगी या फिर दोनों भी हो सकता है. ये डिपेंड करता है केस के फैक्ट्स और सिचुएशंस पे. ओके, क्योंकि कोर्ट के पास डिस्क्रिशनरी पावर होती है उनकी अपनी खुद की. ओके, सो आई होप यू विल नॉट फियर फ्रॉम सच काइंड ऑफ सिचुएशंस. ओके, तो आई एम गोइंग टू मेक मोर वीडियोज. मीनवाइल यू स्टे कूल, स्टे अवेयर. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय. Hold every night.